नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रवेश प्रारंभ। पद्मश्री पब्लिक स्कूल कक्षा 1 से 10 तक CBSE पैटर्न पर आधारित। हमारी विशेषताएं सर्व सुविधा युक्त क्लासरूम, सुयोग्य व अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बड़ा कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक कंप्यूटर द्वारा प्रोजेक्ट वर्क, अन्य गतिविधि में खेलकूद, प्रशिक्षित स्पोर्ट्स टीचर, स्पेशल क्लासेस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पता: पद्मश्री पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, बोदाबाग, रीवा। संपर्क 7747078477। अनूपपुर किसान मित्र संगठन ने मध्य प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय द्वारा कलेक्टर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। मांग पूरी न होने पर करेंगे प्रदेश में उग्र आंदोलन। खबर मध्य प्रदेश के अनूपपुर से है। मध्य प्रदेश सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती किसान मित्र संगठन के रूप में उभर कर सामने आई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कर्मचारी संगठनों के माध्यम से लगातार सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, किंतु मध्य प्रदेश की सरकार जैसे आंख एवं कानों पर पट्टी बांध रखी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में 2023 विधानसभा चुनाव BJP के सामने एक बड़ी चुनौती बन सकती है। किसान मित्र संगठन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि भाजपा की सरकार किसान मित्रों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से भुगतान करती थी, किंतु कमलनाथ की सरकार ने किसान मित्रों का भाजपा का एजेंट बताकर बाहर कर दिया था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार आने का हवाला देकर किसान मित्रों को पुनः बहाल करने के वादा किया था, किंतु मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अपने वादे से मुकरते हुए नजर आए। उसी वादा को याद दिलाना किसान मित्र संगठन का मुख्य मांग है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर संघ द्वारा मांग की गई है। किसान मित्र संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें पहले BJP सरकार में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए वार्षिक दर पर भुगतान किया जाता था, लेकिन जब 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी तो तब कमलनाथ सरकार ने किसान मित्रों की सेवा को ये कहते हुए भंग कर दी कि किसान मित्र कर्मचारी संघ BJP और संघ के कर्मचारी हैं। इसके बाद जब किसान मित्र संघ के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान और BJP प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और किसान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था, तब BJP अध्यक्ष BD शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने किसान मित्रों से वादा किया था कि जब फिर से प्रदेश में BJP की सरकार बनेगी तब फिर से किसान मित्रों को पुनः बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक BJP सरकार को 3 वर्ष से ऊपर हो गया है। आज दिनांक तक शिवराज सिंह सरकार ने किसान मित्रों को पुनः बहाल नहीं करवा पाए है। साथ ही BJP सरकार ने किसान मित्र संघ के साथ वादा खिलाफी कर चुकी है। किसान मित्रों ने मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल को बार बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है। अगर शिवराज सरकार किसान मित्र संघ की मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो किसान मित्र संघ 25 जून को प्रदेश में सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में 27,000 किसान मित्र हैं जिन्हें आज तक पुनः नियुक्ति नहीं दी गई है। शहडोल संभाग ब्यूरो, राजीव तिवारी की रिपोर्ट। उद्देश्य कलेक्टर परिसर में आए हम लोग करीब 20 वर्षों से 15 से 20 वर्षों से किसान मित्र थे, और कांग्रेस की सरकार जब आई तो हम लोगों को यह कह के निकाल दिया गया कि आप लोग संघ के आदमी हैं। हम लोग जब माननीय शिवराज सिंह जी से, नरेंद्र तोमर जी से, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी से मिले, उनका कहना था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको तुरंत नियुक्त कर देंगे, और 3 साल सरकार बनी हो गई, आज तक हमें नियुक्त नहीं किया, और हम 600 रुपए मासिक के दर पर काम कर रहे थे। कि अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं सरकार हमारी मांग को पूरा करे और हमें नियुक्त किया जाए। आप लोग कितने लोग थे कुल मिलाकर? हम लोग पूरे प्रदेश में 27,000 किसान मित्र हैं। 27,000 किसान मित्र हैं। जी, जी। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तो क्या करेंगे? 25 जून को मुख्यमंत्री कार्यालय पर धरना देंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की। क्या नाम है आपका? अभय तिवारी।